राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल सिटी इलाके में रहने वाली 112 की प्रभारी निरीक्षक शिवा शुक्ला के मकान में गुरुवार को देर रात चोरी हो गई। डीएसपी साउथ रवि कुमार के मुताबिक सेक्टर 10 सी वृंदावन कॉलोनी थाना पीजीआई निवासी चोरी का आरोपित लवकुश राजपूत गुरुवार की रात 112 की प्रभारी निरीक्षक के घर बाउंड्री लांघकर अंदर घुसा। चोरी के दौरान वह अपना फोन जीने पर भूल गया और नकदी तथा जेवर लेकर फरार हो गया। छानबीन के दौरान मिले फोन की जब सर्विलेंस टीम की मदद से सिम नंबर की जानकारी ली गई तो आरोपित की पत्नी गीता राजपूत निवासी हैदरगढ़ बाराबंकी के नाम से रजिस्टर्ड मिला। उसकी पत्नी से जानकारी लेने के बाद पीजीआई इलाके के वृंदावन कॉलोनी से लवकुश को गिरफ्तार किया गया। लवकुश द्वारा की गई चोरी का माल उसकी मां व बहन द्वारा छिपाकर रखा गया था। तलाशी के दौरान चोरी के जेवरात व नकदी बरामद हुई, जिसके बाद चोरी के आरोप में लवकुश व उसकी मां तथा बहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शिवा शुक्ला के घर में उसी घटना का आज सफल अनावरण किया है। 24 घंटे से भी कम समय में यहां पर एसीपी गोसाईगंज नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुशांत गोल सिटी ने काफ़ी अच्छा गुडवर्क किया है। इसमें मुख्यतः एक अभियुक्त जो चोर है लवकुश राजपूत वो पकड़ा गया है और उसकी माँ और बहन इस को छुपाने में और सामान को भी छुपा के रखने में और सहयोग करने में अपराधी के उन अपराधों में तीन लोगों की कुल गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुख्य चोर लवकुश राजपूत है। लखनऊ से सुधीर मिश्रा की रिपोर्ट।